गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आज के वोकैब सेशन में। और 100% वोकैब इन 50 डेज में आज का जो सेशन है वो पांचवा सेशन होने वाला है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ गए हैं। जी हाँ, गुड मॉर्निंग अमन। गुड मॉर्निंग उत्तम। तो देखिए, हम लोग स्लाइड लेकर आते हैं जिसमें आपको आज का जो जो वोकैब पढ़ाएंगे वो दिखाना है। तो सबसे पहले आपका जो वोकैब का डे है ये पांचवा हो गया, यानी कि हम लोग अब तक चार जो है वो थीम वाइज वोकैब का सेशन कर चुके हैं। और उसमें हम लोगों ने है जो कि तीन टेस्ट भी कर लिए हैं, है ना। चौथा जो टेस्ट होगा वो क्रिएट अभी नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम वो क्रिएट कर देंगे आपके लिए। पहले वो सारे टेस्ट में सारे स्टूडेंट से अपडेट करवाएंगे, नहीं तो फिर पता चलेगा क्या कि हम लोग पढ़ते तो जा रहे हो आगे, लेकिन पीछे से हम लोग कर ही नहीं रहे हो बैकअप, तो फिर बेकार हो जाएगा। तो देखिए, आज का जो वोकैब डे 5 है उसका पहला डे, मतलब पहला वर्ड आपका क्या है वो देखते हैं। जी, तो कैंटन केरस वर्ड है ना। क्या वर्ड है भाई? कैंटन केरस है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आदमी झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, बहुत ही गालियां वगैरह दिया करता है, उस आदमी को हम कैंटन केरस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? कैंटन केरस कहते हैं। तो चलो, यहां से इसको डेफिनेशन लगेंगे बाद में, पहले हिंदी लिख दो झगड़ालू। ठीक है, आवाज थोड़ा सा खराब है सुबह सुबह, है ना। देखिए, सबसे पहले इसका हिंदी लिख देते हैं झगड़ालू। झगड़ालू का मतलब होता है जो आदमी दूसरे से झगड़ा करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। उसके बाद डेफिनेशन इसका आपको बताया जाएगा। तो हिंदी हो गया आपके पास में क्या? झगड़ालू। उसके बाद डेफिनेशन आपके पास हो गया कि अभेरी, अब्यूसिव। अब्यूसिव का मतलब इसको मुंह पे ही गाली रहता है हमेशा, है ना। अ वेरी अब्यूसिव एंड क्वारलसम। ठीक है, क्वारल का मतलब लड़ना होता है ना, उसी से बना दो क्वारल सम। चलिए, क्वारल सम। उसके बाद फेलो या पर्सन लिख सकते हैं, है ना, पर्सन लिख सकते हैं। चलिए, तो हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे कि ये हमेशा है जो कि किसी भी टैंक की लड़ाई, छोटी छोटी टैंक की लड़ाई, मतलब नहीं तो पानी वानी भरने के लिए, उसके लिए भी लड़ जाएगा। ऐसे आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैंटन केरस बोलते हैं। चलो, दूसरी बात है, क्या है केरस का मतलब होता है? एकदम इसका साउंड है जो कि कर्कश होगा, इसका आवाज कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा, सामने वाले से लड़ाई हो ही जाएगा, इतना खराब इस आदमी का लड़ाई या आवाज होता है। चलिए, अब देखिए, रिलेटेड वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है वेली ग्रांट। क्या है भाई? वेली ग्रांट। तो देखिए, जो भी आपका व्यक्ति या देश युद्ध में शामिल होता है उसे हम वेली ग्रांट कहते हैं। चलिए, किसको किसको बोलेंगे? पर्सन को या तो कंट्री को। वेली ग्रांट को होता है पर्सन और कंट्री। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके पास होगा बाद में, पहले इसका समझना है कि युद्ध रत होता है। युद्ध रत का मतलब होता है युद्ध में एकदम लीन, युद्ध रत मतलब युद्ध में लीन। तो कहना है क्या कि एक ऐसा आदमी या एक ऐसा कंट्री जो कि युद्ध में एंगेज है। चलो, तो लिखते हैं ए पर्सन ऑब्लिक कंट्री इंगेज्ड इन वार। इंगेज्ड इन वार। अब देखो, बेलिकोस जो होता है यह प्रवृत्ति का मतलब व्यक्ति होता है, आक्रामक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो बेलिकोस हमेशा हम लोग किसको करना है? पर्सन को। बेली ग्रांट में पर्सन भी होगा और कंट्री भी होगा, ठीक है, लेकिन बेलिकोस का मतलब हो जाता है आपके पास हिंदी में क्या? आक्रामक। हिंदी में क्या बोलेंगे? आक्रामक। ठीक है, यह आक्रामक प्रवृत्ति के लोगों को कहा जाता है। और इसका मतलब लिखना है ए वेरी अग्रेसिव मैन, वेरी अग्रेसिव मैन। अब देखो, यहाँ से साइनोनिम्स वगैरह आपको माइंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अगर हमसे कैंटन केरस का साइनो पूछेगा तो हम क्वारलसम दे सकते हैं, बेलिकॉस का देगा तो अग्रेसिव दे सकते हैं। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ती है। अब देखिए, जो रिलेटेड वर्ड आपके पास है उसमें तीसरा वर्ड है क्या? टर्मागेंट है। चलिए, क्या है वर्ड आपके पास में जी? टर्मा गेंट है। अब ये टर्मा गेंट हम कहते हैं सबसे पहले किसको? देखिए, किसको कहेंगे? ये भी तो आक्रामक यानी अग्रेसिव के ही सेंस में यूज करवाना होता है मुझे। तो ऐसे सोच लो ना कि कोई टर्म और कंडीशन को तोड़ने वाला आदमी को टर्मा गेंट बोलेंगे। कैसे याद कर लेना कि टर्म और कंडीशन को तोड़ने वाले आदमी को क्या बोलेंगे हम? टर्मा गेंट बोलेंगे। चलो, तो यहां से याद रखेंगे क्या? टर्मा गेंट।
वन हु ब्रेक्स, ठीक है, ये लड़ाकू तो होगा लेकिन कैसा? तो वन हु ब्रेक्स टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन मतलब इस आदमी की आदत होती है कि टर्म एंड कंडीशन को साइन करेगा और फिर बाद में उसको तोड़ेगा। चलो एक्नो क्लास तो मैंने आपको पढ़ाया था ना स्टूडेंट, क्या चीज तोड़ने वाला होता है? इमेजेज, जो पवित्र मूर्तियां मंदिर वगैरह तोड़ता है वो, है ना। हिंदी में इसको पढ़ाया था ना मूर्ति भंजक, क्या पढ़ाया था? मूर्ति भंजक। चलो तो लिख देंगे यहां से वन हु ब्रेक्स, वन हु ब्रेक्स, क्या लिखना है? धार्मिक चीजें ना, तो रिलीजियस थिंग्स, रिलीजियस थिंग्स। अभी से मंदिर हो जाए मूर्तियां हो, दोनों काम कॉमन कर जाएगा। अब देखो यहाँ से जो सबोटर है, इसको याद ही करना कि सब बटोर के ले जाते हैं ये लोग। सबोटर को कैसे याद करेंगे? कि ये सब बटोर करके ले जाते हैं। मतलब क्या होता है कि ये लोग तो एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी को पहले डैमेज करेंगे और उस पब्लिक प्रॉपर्टी को चुरा भी लेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे इधर पुल चोरी हो गया था, नहीं नहीं सुने थे अभी कुछ दिन न्यूज में, कि सेबोटियर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो वही था कि कुछ लोगों ने पुल ही चुरा लिया था। और हद ये है कि उस पुल को इन्होंने बेच भी दिया था, मात्र 40% हिस्सा ही पुलिस के हाथ लगी थी, 60% तो ये बेच भी चुके हैं। तो सेबोटियर का मतलब होता है आपके पास में, हिंदी भाषा में इसको बड़ा ही कुछ खास नहीं बोल सकते हैं, तो सीधे याद रखना है क्या? वन हु डैमेज, डैमेजेज, ठीक है ना। और मान लेते हैं पब्लिक क्या चीज भाई? प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि सरकार की चीजों को तोड़, जैसे तो समझिए कई बार आंदोलन वगैरह करने वाले छात्रों को भी हम सैबोटेज की श्रेणी में रख सकते हैं, कि जब स्टूडेंट आक्रामक हो जाते हैं और आंदोलन करना शुरू करते हैं तो रेल की पटरियां वगैरह तोड़ मोड़ देते हैं, रेलवे स्टेशन को तहस नहस कर देते हैं, तो उस सेंस में भी हम सैबोटेज खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम आक्रामक का स्टूडेंट का रूप ले लेंगे तो हम भी सैबोटोर की संख्या में चले जाएंगे, यानी सब कुछ ये बटोर कर ले जाते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं। अब देखो स्टूडेंट छठा वर्ड है आपका रिलेटेड वर्ड में, युद्ध के सेंस में क्या, लड़ने के सेंस में क्या? अर्सोनिस्ट है। तो ये जो आदमी होता है ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को फायर लगा देता है, क्या लगा देता है? आग लगा देता है, ठीक है। चलो तो जो आदमी पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा दे उसे अर्सोनिस्ट कहेंगे। ऐसे में ध्यान देना कि एर्सो जो वर्ड है इसका जो सेंस है केमिस्ट्री में वो क्या चीज से है? फायर से है। तो एर्सोनिस्ट का मतलब हो जाएगा आपके पास में दाहक, क्या बोलेंगे इसको? दाहक, जो किसी भी चीज को मतलब कि आग के हवाले कर दे, यानी कि लिखना है वन हु सेट्स फायर ऑन प्रॉपर्टी, वन हु सेट्स फायर ऑन प्रॉपर्टी मतलब ये प्रॉपर्टी में आग लगाने का काम करता है, ये होता है आपका क्या? अर्सोनिस्ट। तो हिंदी में हम यहाँ पे याद कर सकते हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ता है सेबोटोर हो गया, जो पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा देता है वो अर्सोनिस्ट हो गया। अब देखो ये अपनी जुबान से लोगों के दिलों में आग लगाने वाला आदमी है, भड़कीला नेता, कौन है भाई? तो डेमो का मतलब याद रखना है क्या? पब्लिक, ठीक है। और गाउज का मतलब यहाँ पर हो जाता है गुरु, है ना, पब्लिक का गुरु, जो पब्लिक का नेता, जो क्या करने का काम करता है? लोगों को भड़काने का काम करता है। चलिए तो लिख देना है ए पब्लिक लीडर, ये कौन होता है भाई? ए पब्लिक लीडर नेताजी होते हैं। हु, चलिए एक्साइट कर सकते हैं या अस्टियर्स अप कर सकते हैं, STIRSUP। अस्टियर अप का मतलब भड़काना, डेम डेम का मतलब पब्लिक हो गया, बाय हिज स्पीच, बाय हिज और हर स्पीच। चलिए तो जो व्यक्ति आपका जो होता है अपने भड़कीले भाषण से किसी भी व्यक्ति समूह या जनता को गुमराह करता है या फिर भटकाता है किसी काम को करने के लिए, वो भड़कीला नेता होता है। चलो फास्टिडियस तब मतलब समझ लेना है कि ये आदमी हमेशा एंग्री वर्ड है। फास्टिडियस कौन है भाई? एंग्री वर्ड है, मतलब ये आदमी ना कौन सी बात पे कब गुस्सा जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैंने इसका नाम हमेशा स्टूडेंट आप लोग को सिखाया था क्या? तुनक मिजाज, मतलब ये टुनुक टाइप का होता है, ये कब टूट जाएगा किसी बात के लिए गुस्सा आ जाएगा कोई पता नहीं है, इसको हिंदी में भी तुनक मिजाज याद करते हैं। चलिए जिसको खुश करना आसान काम नहीं हो, ठीक है, तो हम लोग इसको वैसे ही याद रखते हैं, मैन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड इजली। जैसे कई बार तो कुछ लोग को खाना वगैरह भी अच्छा से बना के दोगे ना, फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे और उसके बाद फिर खाना को ही खराब कर देंगे और आप पर पूरा गुस्सा आ जाएंगे। तो मैन कैन नॉट बी प्लीज्ड इजली।
इजली। अब देखो इसका साइनोनिमस ढेर सारा पूछता रहता है, तो चलो थोड़ा सा हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं आपको पहले कुछ इसका साइनोनिमस बताने का, ठीक है। तो देखो इसका साइनोनिमस में सबसे पहले आपको सोचना है कि आदमी जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला आदमी होता है, तो एंग्री तो हम लोग लिख ही सकते हैं, चलो ये तो कॉमन हो गया। तो अब एंग्री के अलावा क्या होगा आपके पास में, एरोगांट होगा। अब घमंडी आदमी को भी थोड़ा सा हम इस श्रेणी में ले आए हैं, एरोगांट होगा। अब देखिए जो आदमी जल्दी गुस्सा होता है एरोगेंट भी हो सकता है, और इसको हम लोग क्या और कह सकते हैं, अग्रेसिव भी कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, अग्रेसिव भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब देखो उल्टा यूज करोगे तो प्लीज यूज कर देना, है ना, या तो काम बड़े यूज कर सकते हो, कंपोज्ड यूज कर सकते हो, ये सब शांत के सेंस में आप जो जो बड़े जानते हो सारा यूज कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट वर्ड है सैडिस्ट। हाँ ये कैसा आदमी होता है, तो देखो इस आदमी का गुस्सा से रिलेशन कम है और दूसरों को कष्ट देने से ज्यादा है, ठीक है। जितने भी विलन्स वगैरह होते हैं उन सभी को विलन्स को सैडिस्ट का मतलब ही श्रेणी में रखा जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि इनका काम होता है पब्लिक को सताना और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी लेना वगैरह, तो बात की बात है। तो सैडिस्ट का हिंदी पहले बहुत अच्छा है आपको याद होना चाहिए, पर पीड़क। क्या होता है भाई, पर पीड़क, जो दूसरों को कष्ट दे करके इंजॉयमेंट फील करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि सैडिस्ट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास क्या है, साइलेंट विलन जो होते हैं वो हैं, तो लिख दीजिए आप विलन ही लिख दो, है ना, मैंने भी लिख सकते तो ए विलन हु इंजॉय, जिसको पसंद आता है, क्या इंजॉय कर रहे हैं उसको, मतलब क्या पसंद आता है, इन्फ्लिक्टिंग यानी होता है क्या करना, थोपना या देना, इन्फ्लिक्टिंग। और उसके बाद क्या मैंने किया, पेन टू अदर्स, तो दूसरों को जो कष्ट दे करके खुद इंजॉयमेंट फील करता है उसको हम परपीड़क कहते हैं। और हिंदी ही ज्यादा अच्छा नहीं है बल्कि इंग्लिश ही अच्छा है, क्योंकि लोग सैडिस्ट ही बोला करते हैं, तो आप इसको सैडिस्ट याद करो। चलो विंडिक्टिव तो आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, मैंने आपको क्लासेस में भी पढ़ाए थे कि अगर आप एनिमल किंगडम में जाइएगा तो आप लोमड़ी को कनिंग कहते हैं, तो एलिफेंट को क्या कहना चाहिए, विंडिक्टिव कहना चाहिए, कि लोमड़ी धूर्त होती है और हाथी जो होते हैं वो बदला लेने वाले जानवर होते हैं, मतलब ये अपने दुश्मनों को पूरे जीवन भर याद रखते हैं, और आपका जो विंडिक्टिव होता है वो होता है बदला लेने वाला। चलिए कौन होता है, बदला लेने वाला। चलो तो डेफिनेशन आपके पास होगा कि वन हु श्योरली टेक्स रिवेंज, जो निश्चित रूप से क्या करता है, रिवेंज लेता है, वन हु श्योरली टेक्स रिवेंज। अब देखो मैलिग्नेंट जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, तो कई बार आप लोग हिंदी में पढ़े हो ना कष्टकारी, है ना, मैंने कहा था ना कि एमएल का मतलब निगेटिव वर्ड होता है, या मलिन का मतलब धुंधला होता है, तो जब जिंदगी में धुंधलापन आ जाता है इसका मतलब है कि आपके जिंदगी में बहुत सारा कष्ट है, तब ना जाके आप सैड सैड स्टेटस वगैरह डालने लगते हो, तो मैलिग्नेंट का मतलब कष्टकारी का सेंस होता है, ठीक है। अब देखो समझना यहाँ से, तो मैलिग्नेंट उस सर्जरी के लिए भी यूज कर सकते हैं जो सर्जरी आपको क्या करता है, बहुत ही कष्ट देता है, ये सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं, तो लिख दो ए सीवर, ठीक है। क्या लिखोगे, सीवर, सीवर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गंभीर टाइप का, अ सीवर सर्जरी, ओके, अ सीवर सर्जरी। तो हम लोग यहां से समझ पाए हैं लड़ाकू के सेंस में, आक्रामक के सेंस में इतने सारे वर्ड्स, तो सोचिए कि हम लोगों के पर्सन क्वालिटी में इतने सारे वर्ड्स जो हैं, इसे आइडेंटिफिकेशन होता है कि आदमी का गुण कैसा कैसा है, भड़कीला नेता को डेमा गाउज कह रहे हैं, आग लगा देने वाले प्रॉपर्टी में को अर्सोनिस्ट कह रहे हो, है ना, जो जल्दी खुश नहीं होता फास्टिडियस बोल रहे हो, जो दूसरों को कष्ट देता है सैडिस्ट बोल रहे हो, जो बदला लेने वाला विंडिक्टिव बोल रहे हो, और मैलिग्नेंट आदमी को कम और हम सर्जरी को ज्यादा बोल रहे हो, बेलिग्रेंट था जो युद्ध में शामिल कंट्रीज वगैरह होते हैं उनको कहते हैं, लेकिन आक्रामक प्रवृत्ति का जो आदमी होता है उसको अग्रेसिव के सेंस में हम बेलिकॉस कहते हैं, टर्मागेंट जो व्यक्ति था ये आपका क्या करता था, किसी भी प्रकार के नियम और टर्म्स को क्या करता था, तोड़ देता था, इकोनोक्लास्ट जो था मूर्तियां तोड़ता था, और सेवोटी और सब कुछ तोड़ देता था, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने वाला था। चलिए अब देखिएगा आज का जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो डिसडेनफुल है,
एक बात यहाँ सीखो कि फुल का मतलब तो पक्का पर्सन क्वालिटी है, क्योंकि यह आदमी के लिए गुण के कार में आएगा। अब हमको आपको सिखाना है कि डिस्टेन क्या होता है। चलो सबसे पहले क्या सिखाएंगे आपको, डिस्टेन। अब यहां से करना है डिस्डेन का मतलब ना, तो डिस्डेन का मतलब हम इंग्लिश में याद कराएंगे आपको पहले क्या, टू हेड। ठीक है, कहना चाह रहा था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हमेशा डाउन देखना चाहता है, नीचा देखना चाहता है, उसको कहते हैं। तो डिस्डेन का मतलब होता है क्या, नीचा देखना, ये नीचा समझना। अब देखो डिस्डेनफुल का पूरा हिंदी क्या हो गया, नीचा समझने वाला। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग अपने से कम पैसे वाले लोगों को नहीं उतना वैल्यू देते हैं, तो कुछ लोग अपने से मतलब कि कम पढ़े लिखे लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की सोच वाली बात हुई। तो डिसडेनफुल उस आदमी को कहते हैं जो नीचा समझने वाले लोग होते हैं उनको, यानी कि ये करते क्या हैं, तो ये नीचा दिखाते हैं और उन लोगों को क्या करते हैं, नीचा भी दिखाते हैं। तो वन हु लुक्स डाउन अपॉन क्या हो जाएगा भाई, अदर्स। अब यहाँ हमेशा जरूरी नहीं है कि पुअर ही लिख दीजिएगा, गरीबी आदमी को नीचा दिखाने की बात क्या है, गरीब लोग भी स्वाभिमानी होते भाई, चले है ना। तो डिसडेनफुल का मतलब नीचा समझने वाला दूसरों को। ओके, तो वन हु लुक्स डाउन अपॉन द पुअर या अदर्स। चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं आपको कि देखिए भाई, अब नीचा समझने वाले शब्दों में, घृणा करने वाले शब्दों में क्या क्या वर्ड्स हैं। तो लिखिए सबसे पहला आपका वर्ड जो दिया है वो क्या दिया है, हाइब्रो दिया है। देखो जो हाई और ब्रो, यहां से यहां समझना है कि जिस आदमी को हमेशा हाय बाय ज्यादा बोलने का आदत होता है, इसका मतलब है कि उस आदमी को हम ये सोच सकते हैं कि वो अपने आप को कल्चर्ड और हाईली सिविलाइज समझता है। तो हाइब्रो का हिंदी तो मुझे नहीं समझाना आपको, इसका समझाना सेंस है कि जो आदमी खुद को ज्यादा ही पढ़ा लिखा समझता है। चलो तो लिखते हैं, वन हु थिंक्स हिमसेल्फ सुपीरियर इन कल्चर। ठीक है, जो आदमी अब खुद को कल्चर्ड महसूस करता है वो, वन हु थिंक्स हिमसेल्फ। अब क्या समझता है ये खुद को भाई, तो चलिए बताते हैं आपको, वन हु थिंक्स हिमसेल्फ सुपीरियर। चलिए सुपीरियर क्या चीज के मामले में सुपीरियर खुद को ये मानता है, कल्चर के मामले में। ठीक है, कल्चर के मामले। तो अपने को सभ्य समझने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। हाउटी तो आप लोग सब समझते हो, नहीं समझते तो पहले हिंदी याद करो, घमंडी। ठीक है, तो जो आदमी खुद को मतलब कि प्राउड फील करता है और दूसरों को एकदम से मतलब नीचे समझता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घमंडी। तो चलो सीधे इसका साइनोनिमस याद करते हैं, और घमंडी का जितना भी बड़ा हो सकता है वो सारा ले देते हैं। तो प्राउड हो जाएगा आपके पास में वेन, VEIN का मतलब होता है आपके पास में घमंडी। और एक होता है आपके पास में क्या पता है, सुपर सीरियस। मतलब ये खुद को तो सुपर और सीरियस मतलब पता नहीं कि क्या चीज का घमंड है ना। सीरियस मतलब नहीं जानते ना, तो सीधे याद करना है कि सीरियस मतलब पता नहीं क्या चीज का घमंड है, तो सुपर सीरियस का मतलब हो गया घमंडी। अब तो स्टूडेंट इसका एंटोनिमस आप लोग को क्या लग रहा है, कमेंट करो, नहीं करोगे तो फिर तो मैं बताऊंगा। अब देखो आदमी घमंडी नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एकदम सीधा साधा, कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी नॉलेज हो जाए, नहीं होना चाहिए घमंड ना कि हम ये तोड़ देंगे, हम वो तोड़ देंगे। ठीक है, तो जेंटिल होना चाहिए आदमी को। ओके, तो जेंटिल होगा सबसे आसान वर्ड, तो घमंडी का उल्टा होगा जेंट। अब कहोगे सर जो आदमी ज्यादा ही सीधा साधा होते हैं उनको हम और सबमिसिव भी कहते हैं क्या, बिल्कुल सही सोच रहे हो, सबमिसिव भी कह सकते हो। स्टूडेंट तो देखिएगा नेक्स्ट वर्ड अगला आपके पास में घमंडी आदमी के सेंस में क्या बचा, लीजिए मैलिवोलेंट। तो हम उस आदमी को कहते हैं ना जो घमंडी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये आदमी जो है वो कभी भी दूसरे का कल्याण नहीं चाहता है ना। देखो ML का मतलब मैंने कहा था मैल है ना, क्या बोला था भाई, मैल। ये आदमी जो होता है कि मन में हमेशा मैल रखता है और आपका कल्याण नहीं करेगा। तो मैलिवोलेंट का हम लोग डेफिनेशन पहले देखते हैं फिर हिंदी बताते हैं आपको, ये हमेशा आपके लिए मैल रखता है मन में ना। तो वन हू थिंक्स अदर्स क्या चीज भाई, इलविल। इलविल का मतलब हो गया गलत इच्छा, कि जाओ तुम, तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाए, तुम्हारा ये चौपट हो जाए, यानी दूसरों का बुरा चाहने वाला, यानी कि अहितकारी। चलो मैंने अहितकारी की जगह लिख दिया क्या, अहित सोची।
दूसरों का बुरा सोचता है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग तीनों वर्ड समझ पाए कि जो आदमी आपका होता था कैसा नेचर का भाई। तो यहां से मैंने बोला दूसरों से नीचे दिखाने वाला, डिसडेनफुल। फिर आपको यहां से बताया कि इस सेंस में तीन वर्ड होगा, हाइब्रो, जो खुद को दूसरों को नीचे दिखाए चाहे नहीं दिखाए लेकिन ये खुद को बहुत ही कल्चर्ड महसूस करता है। हाउटी मतलब घमंडी मैंने बताया था, जो आदमी प्राउड वेन सुपर सीरियस नेचर का होता है। और मेलिवोलेंट का मतलब दूसरों का बुरा सोचने वाला होता है, यानी कि क्या हो जाता है, अहित सोची, वन हु थिंक्स इल विल ऑफ अदर्स। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आज का तीसरा वर्ड पर्सन क्वालिटी भी करने वाले हैं, और वो वर्ड है क्या, एपिक्योर। अब देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सिखाता हूँ। अच्छा एक बात बताओगे, आप लोग को मम्मी वगैरह कभी कभी डांटती है नहीं बल्कि प्यार से बोल देती है क्या, चटोर, क्यों बोलती है बताओ। आप ना कोई नॉर्मल खाना पसंद नहीं करते हो, आप ना कोई वैसा ही चीज ज्यादा खाते हो जो बहुत ही स्वादिष्ट हो और महंगा हो, तो मम्मी आपको ये बोलती है ना। चलो इसका मतलब हिंदी में तो मैंने चटोर लिख दिया, डेफिनेशन क्या रहेगा और आंसर ये हम कब करेंगे, तो वन हु लाइक्स। अब सबको पता है खाने पीने की चीजें है तो ईटिंग लगा दो तो, और कैसा होगा था भाई, डेलीशियस फूड। तो वन हु लाइक्स ईटिंग डेलीशियस फूड, जिसको डिलीशियस फूड खाना पसंद होता है उसे कहते हैं एपिक्योर। चटोर हो गया। अब देखिए और भी हम लोग खाने पीने के लोगों के बारे में बात करते हैं, या खाने पीने का पूरा वर्ड ही यहाँ से क्लियर करते हैं। अब तो बता रहा, ग्लूटन जो होता है वो हर ग्रुप में होता है ना, पेट, मतलब इस आदमी को वो सारा प्लेट दे सकते हो जो जो प्लेट आप छोड़ने वाले हो, तो इसको इसलिए पेटू कहा जाता होगा ना, क्योंकि ये खाता बहुत होगा। वन हु इट्स क्या भाई, टू मच, जो खाता बहुत ज्यादा होगा उसको कहते हैं। अब देखो गवर्नमेंट जो वर्ड है वो क्या होता है, इसको खाना पीना पसंद होता है। गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, खाना पीना पसंद आदमी, मतलब ये हो जाता है आपके पास में खाने का शौकीन, मतलब कहीं भी इसको ले जा रहे हो तो ये सबसे पहले बोलेगा तब वहां का फेवरेट डिश क्या है, मतलब इसके मुंह से यही निकलेगा। ठीक है, आपको एरिया में जाओगे तो अच्छा उधर जा रहे हो, उधर का लस्सी बहुत अच्छा रहता है उधर से लेते आना, अच्छा उधर जा रहे हो वहाँ रसगुल्ला बहुत अच्छा मिलता है लेते आना। यानी ये गवर्नमेंट जो होते हैं ये खाने के शौकीन लोग होते हैं, इनको हर जगह का आइडिया भी होता है, और ऐसे लोग होने चाहिए ग्रुप में, क्योंकि देखो कई बार घूमने वगैरह जाओगे कहीं तो वहाँ पे गवर्नमेंट नेचर के लोग ही जो होंगे ना वो आपके खाने पीने का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। चलिए तो लिख देते हैं वन हु लाइक्स और एंजॉय फूड। ठीक है, जो अच्छा अच्छा भोजन करता था वो गवर्नमेंट था, ध्यान देना। ठीक ना, यहाँ पर क्या है भाई, आपके पास में गवर्नमेंट है, सॉरी मतलब एपिक्योर था वो। तो वन हु लाइक्स क्या चीज भाई, फूड। चलो अब देखो सिटोफोबिक लीजिए, ये कह रहा था मुझे खाना पीना पसंद है, तो ये कह रहा है कि भाई साहब मुझे खाने से डर लगता है, मतलब नहीं कहते अरे यार हम तो भूल ही गए थे खाना भी पड़ता है, मतलब ये आदमी को खाने का नाम सुनाई पड़ा नहीं कि बस डर। पता नहीं कैसे ऐसे लोग होते होंगे भी कि नहीं होते होंगे, लेकिन जब बर्ड है तो पक्का होते होंगे। और आपको पता है सिटोफोबिक कौन थे, ऋतिक रोशन। लीजिए आप कहिएगा आपको इन लोगों की खबरें कैसे होती हैं, तो देखो भाई सोशल मीडिया पर जितना ज्यादा बिजी रहता है आदमी उतना नॉलेज तो बढ़ता ही है, ये जान लो है ना। तो ऋतिक रोशन जो है वो सिटोफोबिक थे, इनकी मम्मी एक बार इंटरव्यू में बता रही थी कि भाई ये इतना मतलब भोजन से डरता था कि मतलब रोने लगता था खाना लेके आते थे, तो फिर इसको इधर उधर की बातें करके मैं धीरे धीरे करके खिलाया करती थी। चलो ठीक है, जानकारी तो हुआ कि ऋतिक रोशन को भोजन से भी डर लगता था, इसलिए स्टार्टिंग सिनेमाज में देखिएगा तो बहुत ही दुबले पतले भाई साहब लगते थे। लिख दीजिए वन हु अवॉइड्स फूड। ठीक है, वन हु अवॉइड्स। चलो या फिर जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी लोग हो जाते हैं तो फिर उनको भी भोजन से डर लगने लगता है कि अरे यार तुम्हारी वजह से ही तो हम इतने ज्यादा हैवी हो गए, है ना। वन हु अवॉइड्स फूड या वन हु फियर्स क्या चीज भाई, ऑफ फूड, जिसे खाने का डर हो। चलिए अब अगला वर्ड है जो गॉर्मेट है, तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि MET में ET लास्ट में है, तो मैंने आपको कहा था ना कि कई बार लास्ट वाला वर्ड से मैच कर लेना, तो एक्सपर्ट और MET दोनों सेम मान के चलना है।
तो ये जो व्यक्ति होते हैं ना, ये थोड़ा सा पाक कला के विशेषज्ञ के प्रवृत्ति में आते हैं। मतलब ये लोग जो होते हैं ना कि खाना बना आप कैसा बनाए हो नहीं बनाए हो, वो जज करने के लिए आएंगे। तो बताओ तो एक दो को जज जो इंडिया में होस्ट करते हैं, खास करके कोई सोच वगैरह, और ये भोजन से टेस्ट करते हैं मास्टर शेफ वगैरह में, बताओ। चलो आइडिया है तो बताओ, नहीं तो फिर तो मैंने अब लिखना ही देना है डेफिनेशन। एन एक्सपर्ट ऑब्लिक जज है ना, जज चलो ऑफ फूड, मतलब ये लोग खाना टेस्ट करके बता देंगे कि इस खाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। इतने बड़े एक्सपर्ट होते हैं, मतलब हींग डाले हैं कि ये डाले हैं कि वो डाले हैं, वो सब बता देंगे। चलो बाकी तो गैस्ट्रोनॉमी हम लोग अपने हाई स्कूल के टाइम में किए थे ना, कहाँ किए थे भाई, हाई स्कूल में, और इसको हम लोग हिंदी में कहते थे क्या, पाक विज्ञान, ठीक है। जिसमें टीचर लोग क्या करते थे कि बच्चों को कहते थे कि आप लोग कुछ खाना पीना बना करके हमको खिलाओ, ठीक है। इससे मतलब होता था क्या कि एक जस्ट पिकनिक की तरह आपको एक्सपीरियंस मिलता था, प्लस बच्चों में एक एक्टिविटी जागती थी कि खाना बनाना सीखना अच्छी बात है। तो गैस्ट्रोनॉमी का हिंदी हो गया, पाक विज्ञान हो गया, और इंग्लिश में बहुत ही सिंपल आपके पास डेफिनेशन हो जाएगा, आर्ट या स्टडी ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, है ना। चलो अब साइंस ऑफ फूड भी लिख सकते हो, चलो क्या लिख सकते हो, आर्ट ऑब्लिक स्टडी ऑब्लिक साइंस, है ना। आर्ट ऑब्लिक स्टडी हो गया, ऑब्लिक हो गया क्या, साइंस। और इसमें हम लोग करते क्या थे, तो भोजन तैयार करने का तरीका जानते थे या सीखते थे, प्रिपेयरिंग फूड। मतलब कहानी फिर इससे रिलेटेड था, तो सोचा आपको ये सारे वर्ड्स भी बता दिए जाए। आप देखो फैजो मैनियक है, तो कहोगे सर ये तो मैनियक है, तो खाने के लिए एकदम पागल हो जाता होगा ना, तो फैजो का मतलब खाना ही होता है, आपको ये याद रखना है, और ये हो जाता है आपके पास मैनियक, मतलब पागल यानी क्रेजी। चलिए अब देखते हैं कि इसका हिंदी तो नहीं करेंगे, लेकिन इंग्लिश आपको लिखाना पड़ेगा। ये आदमी जो होता है इसको खाने के लिए एकदम लत हो जाती है, मतलब ये घंटे घंटे खाने वाले लोगों को कहा जा सकता है। तो कह सकते हैं मैनिया ऑब्लिक फॉन्डनेस, फॉन्डनेस और फॉर क्या हो जाएगा, ईटिंग, मतलब इसको खाने का एकदम पागलपन सा होता है, इसको हर घंटे खाना चाहिए। अब देखो इतने तरह के लोग होते हैं खाने वाले भी, कि किसी को स्वादिष्ट भोजन पसंद है तो वो आपका एपिक्योर था, ज्यादा खाता है तो ग्लूटन था, है ना। खाने का शौकीन है तो गॉरमेंट था, डर लगता है खाने से आदमी को तो सिटोफोबिक है, एक्सपर्ट होते हैं खाने पीने की चीज़ों को बनाने वाले होंगे तो गॉरमेट होते हैं, और खाना बनाने का विज्ञान को हम गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। फिर कह रहा था कि जो आदमी खाने के लिए एकदम दीवाना होता है उसे हम फैजोमैनिक कह देते हैं। अब लीजिए अभी और लिस्टिंग है, फ्रगी बोरस, ऐसे ही पता चल रहा है कि ये फ्रग का मतलब फ्रूट होगा, है ना। चलिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूट ईटर। चलिए पीसी बोरस, तो पीसी का मतलब क्या होता है, फिश होता है, तो फिश ईटर्स यानी वन हु एंजॉय ईटिंग फिश, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास में कौन होता है भाई, है ना, तो बियर्स, बियर्स यानी भालू वगैरह, उनको लाइव मछलियां पसंद है, खुद पकड़ते खुद खाते हैं। कैनिबल, देखो यहाँ से यही समझना है कि ये कैनिबल जो होते हैं ये नरभक्षियों को भी बोला जाता है, किनको बोला जाता है, नरभक्षियों को भी, ठीक है। और इसको हम ऑब्लिक देकर के लिख देंगे स्वभक्षी, स्वभक्षी मतलब अपने जैसे ही जीवों को भी खा जाएंगे। जैसे आप जानते होंगे छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है, ठीक है ना, छोटे सांपों को बड़े सांप खा जाते हैं, छोटे मगरमच्छों को बड़े मगरमच्छ खा जाते हैं। तो कैनिबल का मतलब होता है जो अपनी ही जाति को खाए, तब ना नर को खाने वाले को यानी आदमी को खाने वाले को आदमी को क्या बोलता है, नरभक्षी बोलता है। चलो लिख दो, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, पहले तो ये लिख दो, जो मानव मांस ही खाता है। अब देखो कितना लोग सोच रहे होंगे बाप रे मानव मांस खाता है, ऐसे आदमी और ऐसे एरिया में तो हम जेबे नहीं करेंगे, ठीक है ना। फ्लैश, फ्लैश का स्पेलिंग होगा FLESH, या फिर मैंने कहा दूसरा डेफिनेशन कि ये अपने ही स्पीसीज को खा जाते हैं, तो वन हो इट्स हिज स्पीसीज, हिज स्पीसीज मतलब जो अपने ही जाति के जीवों को खा जाते हैं उनको भी हम लोग कैनिबल की श्रेणी में ही रखते हैं। अब देखो डिप्सोमैनिया का, अब लगता है खाने की जगह पीने की बात होने लगी, तो डिप्सो का मतलब समझना है कि एकदम डीजे वाला साउंड पे दारू पी करके झूमता हुआ आदमी हो गया, मतलब कि मैनियक मतलब तो क्रेजी हो गया, और इसका मतलब क्या है यहाँ पे यूज करना है, वाइन मतलब शराब।
तो जो आदमी होता है खाने पीने नहीं, सिर्फ पीने का शौकीन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्सोमैनियाक। तो लिख दो क्रेजी और अल्कोहल। जिस आदमी को कोई भी काम कराना है तो एक बोतल का वादा कर दो, काम कर देगा, उसे डिप्सोमैनियाक बोल देना। और क्या, तो टिट्टो टेलर कहते ना ना ना, हम तो डिट्टो छोड़ दिए हैं, ठीक है। और टेलर का मतलब हो गया कि अब तो हम मतलब कि गलती से भी आपके पीछे पीछे भी नहीं आने वाले। मतलब ये होता है कि इसने शराब को पूरी तरह से क्या कर दिया है, छोड़ दिया। ओके, तो डिप्सोमैनियाक का मतलब तो हो गया शराब के आदि, लेकिन डिट्टो टेलर का मतलब हो गया मद निषेधी। इसने मद को निषेध कर दिया है कि नहीं भैया, हमसे पार नहीं लगेगा। चलिए, वन हु अवॉइड्स क्या भाई, अल्कोहल। चलो अब इनविटेरेट का मतलब समझते हैं। अब कोई आदमी होता है ना जिसका गाना है कि देखो भाई, हम तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है लाइफ में अब तक जहां हमको याद हो कि मैंने बिना शराब के एकाध दिन या एकाध रात गुजारी हो। तो इनविटेरेट का मतलब होता है कि आदतन शराबी। क्या होता है भाई, आदतन शराबी, मतलब ये आदत बना चुका होता है और शराब ही इनकी पत्नी और दिलरुबा होती है। तो आदतन जो शराबी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनविटेरेट कहते हैं। ओके, तो हैबिचुअल ड्रंकार्ड, हैबिचुअल ड्रंकार्ड। देखो आगे भी वर्ड्स हैं या फिर आज का सीन अब यहाँ पर थीम वाइज फोर कैप का खत्म हुआ। जी तो बिल्कुल खत्म हुआ, अब यहाँ से रिवीजन राउंड में सबसे। चलो स्टूडेंट बताओ, बेलिकॉस का मतलब मैंने बताया था कि ये आदमी जो होता है लड़ाकू होता है। देखो अग्रेसिव कहीं पे दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताओ। डी में दिख रहा है तो डी करो। चलो फास्टिडियस का मतलब होता है जिसको जल्दी जल्दी गुस्सा होता है। मैंने कहा था ना कि एंग्री या एरोगेंट करना, तो चलो करते हैं दो का आंसर हम, एंग्री यानी ई। विंडिक्टिव का मतलब बदला लेने वाला होता है, रिवेंजफुल। डिसडेन का मतलब दूसरों को नीचा दिखाने वाला होता है, तो क्या कह दोगे, डिसरिस्पेक्ट या फिर स्कॉर्न ही कह दो, दूसरों को नीचा दिखाना। डिसडेनफुल का मतलब होता है नीचा दिखाने वाला, चलो तो इसको हम स्कॉर्नफुल कह देते हैं। आई चलो कमेंट कर सकते हो, समझ सकते हो। अब यहां से देखिए, हाँ यही हो गया। हाइब्रो का मतलब होता था जो खुद को बड़ा ही ऊपर का मतलब की व्यक्ति समझता था, तो हाईली कल्चर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो स्नोब दे सकते हो, ठीक है ना। कल्चर नहीं, देखो पढ़ लिए उसके बाद ये भी देखना जरूरी है ना कि चीजें पूछी कैसे आपसे जाती हैं, है ना, आपसे पूछी कैसे जाती हैं ये भी सीखना जरूरी है। तो अगर आपको गलत हो रहा था तो टेंशन मत लेना। देखो हाउटी मतलब घमंडी होता है, तो प्राउड और वेन देना। गवर्नमेंट का मतलब हम एक्सपर्ट बनाए थे, तो एक्सपर्ट बताए थे, तो वैसे केस में आप लोगों को एक्सपर्ट वर्ड खुद ही दिख रहा है कहीं पे। चलो कन्वाइजर दिख रहा है ना, हाँ तो हाँ बी ही करो ना, कन्वाइजर भी तो एक्सपर्ट ही ना बताए थे आपको उधर पहले। पीछे के वोकैब भी आपको हमेशा आगे काम करेंगे, तो यहाँ बी कर देना। और डिप्सोमैनिया का मतलब अल्कोहलिक कर देना, जो शराब का आदि होता है। देखो जब ज्यादा शब्द आएंगे तो परेशानी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप रिवीजन करोगे ना तो चीजें आप लोग मेरी तरह जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फास्टिडियस का मतलब तुनक मिजाज होता है। अब तुनक मिजाज का मतलब होना चाहिए था कि आदमी बहुत ही नॉर्मल नेचर का होना चाहिए था, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ करके चलते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब दूसरों का बुरा सोचने वाला। अब दूसरा का बुरा, दूसरा मैंने कहा था मैलिग्नेंट सर्जरी को कहते थे। अब जो नॉर्मल सर्जरी या माइल्ड स्टेज की सर्जरी होती है, बेनिग्न स्टेज की सर्जरी होती है, ये इसका उल्टा होना चाहिए था। तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, एफ कर सकते हैं। तो फास्टिडियस का मतलब तुनक मिजाज के लिए हम जी यूज कर देते हैं। चलिए क्या यूज कर देते हैं, जी। डिस्डेन का मतलब नीचा दिखाना, नीचा दिखाने का उल्टा होगा किसी आदमी की प्रशंसा करना, तो प्रेज कर देते हैं, डे कर देते हैं। विंडिक्टिव का मतलब बदला लेने वाला, और दूसरा आदमी होता है कि बोलता है जाओ ना भूल गए कि क्या हुआ था मेरे साथ में, तो आंसर हम लोग यहाँ पे ई करते हैं। गवर्नमेंट का मतलब होता था कि जो आदमी खाने पीने के सेंस में बताया था ना, जो आदमी खाना पीना पसंद करता था, एंजॉय करता था, और दूसरा होगा कि जो खाने से ही डर लगता होगा, सिटोफोबिक। फ्रैगिवोरस का मतलब होता है फ्रूट खाने वाला, अब फ्रूटेरियन इसका दे दिया है, पता नहीं कैसे दे दिया है, अब चलो मान लेते हैं। डिप्सोमैनियाक का मतलब शराब पीने वाला, तो उल्टा होगा विरोध करने वाला कि नहीं शराब पीना चाहिए पापा। हो गया क्लियर।
अब देखो ये बार बार मैं आपको स्लाइड दिखाता रहूंगा जब तक कि अप्रैल का महीना खत्म नहीं हो जाए, तो चलिए ओबीएगा नहीं है ना। अब देखो आज का जो एडियम्स का कीवर्ड है वो कीवर्ड आपके पास में क्या है भाई, तो बैड है। क्या भाई है? बैड है, मतलब बैड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखे गए एडियम्स श्रेणी में। जैसे देखो पहले मैंने एप्पल में पढ़ा था कि ये बैड एप्पल, तो एक ऐसा आदमी जो हमेशा ही दूसरों के लिए बुरा हो, तो अ निगेटिव फेलो। ठीक है, अब देखो निगेटिव का मतलब हम डिसऑनेस्ट भी कहे थे, अब डिसऑनेस्ट भी लिख सकते हैं। मतलब एक ऐसा आदमी जो खुद तो भ्रष्ट है ही है, दूसरों को भी भ्रष्ट कर देगा, तो ये बैड एप्पल ये ही होता है। अब देखते हैं आपका बैड एप्पल तो समझ में आ गया कि बेईमान आदमी या निगेटिव आदमी। अब दूसरा क्या है लीजिए, ए बैड एक का मतलब फिर से वही होगा, ए डिसऑनेस्ट पर्सन। अब ये नहीं कहना कि एक ही मीनिंग, हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता है, ए डिसऑनेस्ट पर्सन। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला वर्ड आपके पास में है ए बैड हेयर डे। अब भाई तभी आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हो और आपको बार बार खाने में क्या मिल रहा है, बाल मिल रहा है, तो आप कहते हो ना कि यार आज बार बार खाने में बाल मिल रहा है, आज पक्का मेरा दिन अच्छा नहीं है, अब वेरी बैड डे, ए वेरी बैड डे। मतलब इतना बुरा है कि आप बोल रहे हैं कि आज मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, आज पक्का अशुभ होगा। तो शुभ मतलब ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ। ठीक है, तो इनऑस्पिशियस का भी सेंस आप लेके जा सकते हैं कि वेरी बैड के जगह पे एन इनऑस्पिशियस डे भी दे सकता है। बैड ब्लड तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ऐसा चीज जिसमें आपने क्या किया, इतना बुरा किया कि सामने वाले का खून ही बहा दिया, यानी कि आपने कट्टर दुश्मनी निकलवा दी। ठीक है, तो कट्टर दुश्मनी को हम लोग बैड ब्लड बोलते हैं। चलो इंग्लिश में क्या होता है, बीटर इनमिटी। चलिए क्या होता है, बीटर इनमिटी। अगला में है बी इन बैड बुक। अब देखो अगर हम किसी आदमी के साथ गुड बुक में हैं तो हमारा उसे अच्छा रिलेशन है, और अगर बैड बुक है तो इसका मतलब 36 का आंकड़ा है। चलिए तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, 36 का आंकड़ा। अब 36 का आंकड़ा का मतलब है कि वो आदमी हमारे ऊपर और हम उसके ऊपर पड़े रहते हैं, यानी एक दूसरे को हमेशा है जो कि चोर पुलिस के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं। चलो तो लिख देना है और क्या, किसी से लड़ाई करके ऐसा होता है, तो फॉल आउट विद समवन। चलिए तो फॉल आउट विद समवन हो गया। अब लिख रहा है कि गिव ए बैड अकाउंट। अगर आपको कोई दिखे, सिंपल है, देखा देखी वगैरह जो होता है लड़कियों का या फिर लड़कों का शादी वादी के लिए, तो उसके बाद पता चलता है कि शादी कट गई, तो ये सिचुएशन आने की वजह देखो ये, गिव ए बैड अकाउंट ऑफ, मतलब किसी ने आपको उसके बारे में पॉजिटिव बातें पूछी या निगेटिव बातें, कुछ नहीं पूछी सर, जो भी पूछा उसने आपसे और आपने उसको कुछ निगेटिव बातें बता दी। अब वो उस लड़के या उस लड़की के बारे में निगेटिव बातें जानने के बाद अपने फैमिली से उसका रिलेशन नहीं रखना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है, आप लोग सुनते होंगे। तो गिव ए बैड अकाउंट ऑफ का मतलब होता है क्या, गलत जानकारी दे बैठना। ठीक है ना, गलत गलत जानकारी देना। चलिए तो वही लिखते हैं, गलत गलत है ना, गलत जानकारी दे बैठना। चलिए गलत जानकारी दे बैठना। अब क्वेश्चन का जो सेंस है वो आपके पास में होगा गिव ए पुअर शो। ठीक है, गिव ए पुअर शो मतलब किसी आदमी के लिए आपने जो है वो पुअर डिटेल दे दिया, मतलब अच्छा डिटेल नहीं दिया बस। फ्रॉम बैड टू वर्स, अब तो वैसे ही पता चल रहा है कि मतलब कि पहले से ही क्वेश्चन में सेंस ये है कि भाई गरीबी में आटा गीला नहीं, पहले से आदमी गरीब था, अब आटा भी गूंथना शुरू किया तो क्या हो गया, गीला हो गया, तो और आटा कहाँ से लाएगा। तो ये होता है गरीबी में आटा गीला, मतलब कि सिचुएशन पहले से ही बुरा था और इसको हम लोग और खराब कर रही है, तो बैड टू वर्स होता है सिचुएशन। मतलब जो क्वेश्चन था वही आंसर हो गया, बैड टू वर्स सिचुएशन, खाली यहाँ पे क्या लिख दिया, बैड टू वर्स। अब हो सकता है कहोगे सर यहाँ पे आपके पास में बैड टू वर्स नहीं लिख करके कुछ और लिखेगा, तो यही हो गया कि पहले से चीजें खराब थी और उसको हम लोगों ने खराब कर लिया, तो मोर अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है ना, मोर अनप्लेजेंट सिचुएशन। टर्न अप लाइक ए बैड पेनी, हाँ ये कहोगे सर ये तो आपका लगता है गूगल वर्ड है क्योंकि ये ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा हुआ नहीं है। देखो टर्न अप का मतलब होता है क्या, पहुंचना, बैड मतलब बुरा, पेनी का मतलब पैसा खर्च करा देना।
अब एक ऐसा दोस्त आपके घर पे पहुंच गया जो जब आता है जब आपके अच्छे खासे पैसे खर्च करवा के जाता है। ऐसे आदमी को आप अन वेलकम गेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि देख यार, ये इसको तो हम बुलाते भी नहीं, ये किधर से चला आता है। अन अनवेलकम गेस्ट। चलिए, तो ये था बैड से रिलेटेड कुछ इडियम्स। इसको आप रिवीजन एक बार करिएगा तो सारा का सारा जरूर याद हो जाएगा। अब आपका जो आज का फ्रेज है उसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्री को हम लोग कम ट्री के नाम से जानेंगे, यानी कम के टोटल इडियम्स के बाद फ्रेजल वर्ब कर क्लियर करेंगे। सबसे ज्यादा पूछा गया है कम ऑफ। जब लिखा है कि कम ऑफ ए फैमिली, यानी कि संबंध रखना। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हम जब बायोग्राफी वगैरह ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे होता है ना कि ये इस परिवार के व्यक्ति थे या इस परिवार से में इनका जन्म हुआ था, तो वही होता है कम ऑफ का मतलब बिलोंग टू। ठीक है ना, बिलोंग टू, संबंध रखना। कम अक्रॉस ओल्ड फ्रेंड। जैसे आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए और अचानक से आपको कोई यहाँ पे पुराना दोस्त या रिलेटिव मिल गया, तो फ्रेंड भी हो सकते हैं और रिलेटिव भी हो सकते हैं। रिलेटिव को भी इज्जत दीजिए नहीं तो गुस्सा जाएंगे, शादी वादी फिर कराएंगे नहीं आपकी। तो कम अक्रॉस का मतलब मैंने कहा पुराने दोस्त और रिलेटिव। यानी क्या होता है ना कि आप सोच करके शॉपिंग मॉल में थोड़े गए थे कि आज ये अंकल मिल जाएंगे, आज ये हमारे फ्रेंड मिल जाएंगे, तो अचानक से मिलना होता है यार, तो मीट एक्सीडेंटली यूज कर सकते हो। अब देखो, कम अक्रॉस के अलावा हमारे पास में मीट एक्सीडेंटली के लिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, आप चाहो तो इस यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। अब देखो, इसमें इनटू का यूज होता है। क्या होता है भाई, इनटू का यूज होता है। जैसे कि अचानक से टकराने के सेंस में आप बम्प इनटू यूज कर सकते हो। चलिए, हो गया। और उसके बाद होता है आपके पास में रन इनटू भी होता है। ठीक है, अचानक से टकराना। अगला देखते हैं, अगला फ्रेजल वर्ब क्या है। हाँ, कम राउंड। देखो क्या लिख रहा है, समबडीज सेंस। सेंस का मतलब होश है ना, कि जान लीजिए कि कोई आदमी था जो गर्मी था, अभी चल रहा है, उसकी वजह से बेहोश हो गया और उसको आपने क्या किया, होश में लाया, पानी छीटा वगैरह मार करके, या फिर जो बोलते हैं ना गांव में दत्ती लग जाना, तो उसकी दत्ती वगैरह छुड़वा करके, तो होश मिलाना इसका हिंदी होता है। ओके, कम राउंड का मतलब होश मिलाना। ओके, तो इंग्लिश आपके पास में होगा, आपके पास में क्या होगा जो बताओ। इसको रिलीफ मिला, आपने उसका इलाज किया, तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, रिकवर लिख देते हैं। पहले क्या लिख देते हैं, रिकवर, और सेंसेस ही कर दो, मतलब उसका सेंस आपने रिकवर कराया, या फिर उस आदमी को थोड़ा सा आपने है जो कि माउथ एयर वगैरह देकर रिवाइव किया है ना, हल्का फुल्का ट्रीटमेंट देकर उसका इलाज किया, तो आप रिवाइव भी यूज कर सकते हो। चलो, बाकी आपको हिंदी याद रखना होगा, होश मिलाना, कम राउंड का मतलब। हाँ, कम अबाउट होता है चेंज, बदलाव का कारण बनना। ठीक है ना, नहीं बोलते हैं कि देखिए भाई हमारे व्यवहार में बदलाव का कारण आप हैं, है ना, तो ये होता है बदलाव का कारण बनना। चलिए, बदलाव का कारण बनना, इसका इंग्लिश आपके पास लिखना है क्या, काउस टू हैपन, काउस टू हैपन। चलिए, हो गया। अब देखिए ना, जैसे हम लोगों के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, एक बार देख लीजिएगा। उत्तम है, अमन है, मीनू है, शन्नी, अभिषेक जी एंड रजनी है। देखिए इसमें उत्तम जो है ना, उत्तम जिस समय स्टार्टिंग में हमारे यहाँ आए थे ईएसए अकेडमी पढ़ने के लिए, रिप्लाई करिएगा उत्तम अगर हम पूछेंगे तो उस समय मतलब कि फी कम कराने के लिए उत्तम हमसे लगता है कई बार मिले होंगे, और उसमें शायद ये लोग यादव लॉज में रहते थे, तो वहाँ पे किसी का नाम लिया करते थे भैया का। अब हम देखिए क्या है, हमेशा सीधे साधे रहे हैं, मतलब बिहार श्री में रहने के बावजूद भी मतलब ज्यादा लोगों से टच में नहीं रहते, तो ये जिनका नाम लेते थे एक्चुअली में उनको सही में नहीं पहचानते थे, तो फिर इनको मैंने सजेशन दिया कि अगर आपको पेमेंट वगैरह कम कराना तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं, या उनको कम कराना तो उनको हमारे से मिलवाइए, तब हम पेमेंट कम करेंगे। उन समय हमको लगा था कि उत्तम हो या क्या जो फ्रेंड सर्कल हो, थोड़ा सा नहीं होता है कि अग्रेसिव माइंड के लोग होते हैं, तब ना भाई ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट है, ऐसा मुझे लगता था। फिर ये इतना अभी हम्बल हो गए, इतना जेंटिल हो गए हैं, अब ट्यूशंस वगैरह पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स वगैरह में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा यार इतना अच्छा स्टूडेंट थे, मतलब कि इतना हम्बल कैसे हो गए। तो ये बदलाव का कारण मत पता नहीं क्या बना, ये तो उत्तम ही जानते होंगे, मुझे तो स्टार्टिंग में काफी अग्रेसिव लगे थे ये लोग मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ उत्तम, अभी तो आप बहुत ही जेंटिल हो। ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो जब इनको देखा मैंने पढ़ाते उड़ाते हुए, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा बदलाव आया, ठीक
ये शुरुआत से ही अच्छे होंगे। चलिए, कम ऑफ का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ अच्छा, हमसे मिलकर। हम तो इंसिस्टिंग किए थे आपको कि नहीं, आप हमको मिला ही दीजिए उनसे, या फिर आप या तो पेमेंट हमसे ही कम करा लो यार। तो हो सकता है मेरा इतना रिजिडनेस देख करके आपको भी लगा। चलिए थैंक यू अगर ऐसा हुआ तो। देखिए, कम ऑफ का मतलब क्या दे रहा है? प्लास्टर और पेंट नहीं बोलते। अरे यार, लगता है ना ये दीवार पानी खाया हुआ था, देखिए ना पूरा पेंट छूट के गिर गया। तो ऑफ का मतलब क्या हो रहा है? बंद होना, मतलब कि उस पे आपका पेंट का जो था रंग वगैरह वो दिखना बंद हो गया। तो कम ऑफ का मतलब हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? प्लास्टर और पेंट का फीका फीका पड़ना। क्या करना? फीका पड़ना। अब ध्यान आपको देखना पड़ेगा कि फैमिली में बिलोंग करने के सेंस में सिंगल एफ, और रंग वगैरह पेंट वगैरह प्लास्टर वगैरह गिर गया ना, डबल एफ। ओके, तो इंग्लिश में क्या बताओगे? सबसे पहले बताना फेट, है ना, फीका पड़ने में सबसे पहले क्या बताना? फेड बताना। फिर आप कह सकते हो कि सर हम लोग ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं और फॉल भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है स्टूडेंट? ओ, कम ओवर, ये तो सबको पता है। प्रॉब्लम और फियर लिख दो, है ना, प्रॉब्लम और फियर। ये कहते हैं कि देखो भाई, अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करना है तो सबसे पहले अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदलने की कोशिश करनी चाहिए आदमी को। ठीक है, तो वीक पॉइंट क्या होता है बिहार के स्टूडेंट्स का? इंग्लिश होता है। वीक पॉइंट क्या होता है मतलब सीबीएसई बोर्ड वालों का? मैथ्स होता है। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अच्छे हो सकते हैं। तो आपको क्या होता है, अपने मैथ्स के डर को दूर करना होता है सीबीएसई वाले बच्चों को, और बिहार बोर्ड वाले बच्चों को जो इंग्लिश का डर होता है उस डर को दूर करना होता है। तो कम उबर का हिंदी होता है क्या? उबरना, है ना, आपको उबरना होता है इस डर से। ठीक है, बाहर निकलना, आपको इस डर से बाहर निकलना होता है और आप उसको स्ट्रॉन्ग जोन में बदलते हो। चलिए, तो इंग्लिश हमारे पास में क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसी को उलट दो, कम ओवर को उलट के क्या करोगे आप? ओवर कम कर दोगे। आप कहोगे सर हम ही इसको घेर लेते, ये हमको घेरता है, सर माउंट। ठीक है, सर माउंट मतलब घेर लेना। या टू विन ही कर दो ना, जीत लीजिए। तो ये था आपका फ्रेजल वर्ब। अब ये सारे वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको लगा होगा कि यार आज के ये सब खास वर्ड मैंने सीखे। जैसे देखो ना, एर्सोनिस्ट होता था आग लगा देता पब्लिक प्रॉपर्टी में, बेरिकॉस होता है क्वारलसम व्यक्ति, फिडेटिव बदला लेने वाला, हाइब्रो का मतलब स्नोबिस पड़े जो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है, गवर्नमेंट एक्सपर्ट होता है भोजन का हम लोग जाने, है ना, गैस्ट्रोनॉमी पाक विज्ञान जो हम लोग हाई स्कूल के टाइम में किए होंगे अगर आप बिहार बोर्ड से रहेंगे तो। ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी होंगी जो शायद हम लोगों को ध्यान उतना नहीं था। अब देखो, प्रोवर्ब ऑफ द डे में मैंने बैड वर्ड जब पढ़ाया था इडियम्स में, तो वहां से ही मैंने तीन उठाए हैं, पहले समझ लेना। करे ना, बैड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब कि आदतें नहीं आसानी से जाती हैं, आदतें छूटती नहीं। हिंदी क्या होगा? आदतें छूटती नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंड सेट रखिएगा तो कोई भी आदत छूट जाता है। नहीं, जैसे आप लोग को लगता होगा कि हम चाय बहुत पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे घर में पता कर सकते हैं कि हमसे पूछा भी जाता है तो हम कहते हैं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई पियेंगे क्या? तो हाँ, तो बनाइए। तो मुझे आदत इसकी नहीं है, बस ये मतलब एक लोगों ने देखा है कि भाई ये जो चीजें लिखता उठता हूँ मैं, तो ज्यादातर उसी पर लिखता हूँ, तो लोगों को लगता होगा कि मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, दिन भर में 5-10 कप पी जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम 3 कप होता होगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। कभी कभी 1 भी कप नहीं भी मिलता मुझे, कोई सर दर्द वगैरह की शिकायत नहीं होती कि मुझे सर दर्द हो रहा है कुछ। ठीक है, तो बैड हैबिट डाई हार्ड का मतलब आदतें छूटते नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, ये भी अच्छा है। कई बार लोग कहते हैं कि देखिए भाई मुझे बदनाम किया जा रहा है, तो भाई अरे यार तुम्हारा उसी बहाने नाम भी तो हो रहा है, तो बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। मतलब कभी कभी आदमी की आलोचना में भी क्या है, बड़ाई होती है। उसकी आलोचना हो रही है तो कुछ तो बात है जो आलोचना हो रही है, अदरवाइज किसी की चर्चा भी कहाँ होती है। हायर इज ए गुड सर्वेंट, सही बात है। अगर हम आग को सही से कंट्रोल में रखेंगे तो वो हमारे लिए रोटियां बनाएगा, हमारे लिए तंदूर बनाएगा, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा भी थोड़ा सा फ्रीडम देते तो वो हमारा घर भी जला सकता है ना। तो यही है कि जो आदमी अच्छा होता है वो उतना बुरा ही होता है। हिंदी सिर्फ हम बता रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। बाकी उसको स्पोकन में यूज करोगे तो आपका, नहीं तो फिर मेरा ही होगा। ठीक है ना, बैड हैबिट डाई हार्ड यानी बुरी आदतें छूटती बड़ी मुश्किल से हैं, बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी यानी चाहे जो भी हो चर्चा होते रहना चाहिए, हायर इज गुड सर्वेंट बट द बैड मास्टर, है ना। क्या को नियंत्रण में रखोगे तो आपके लिए फायदेमंद है, और अगर हावी होने दोगे तो आपके घर को जला सकते हैं।
ये सारे वर्ड आज हमने सीखे हैं, तो इसको आप लोग फिर से अपना डायरी ले लेना, उसमें एक जगह इकट्ठा कर लेना, कॉर्नर बना हुआ है, रिवीजन भी हो जाता है कि इनविटेट का मतलब क्या था, टी टू टेलर शराब नहीं पीता था, ये पीने में डूबा रहता था, नरभक्षी होता था, है ना, डिस्कवर सॉरी पीसी बोर लिखना चाह रहा है, नहीं चलिए हम समझ गए, यहाँ पीसी बोर लिखना चाह रहा है, जो मछली खाता था। चलो बताओ इसको, पॉलिटिकल लीडर हुआ स्टायर ऑफ द पब्लिक, भड़कीला नेता, डेमोग्राफी से रिलेशन होगा, देख लो। कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा, बी बोल्ड भी था, बिल्कुल सर दिख रहा होगा। नेक्स्ट में मैन हु कैन नॉट बी प्लीज इजली, तुनक मिजाज आदमी को क्या बोलते थे, जो गुस्सा बड़ा फास्ट आता था, फास्ट एडियस, चलो ठीक है। बन हु लाइक ईटिंग डिलीशियस फूड, याद करो, एपिक्योर, ये भी सही है। वन हु ईट हिज स्पीसीज, अपने ही जाति को खा जाने वाला, कैनिबल, ये भी सही है। वन हु अवॉइड ड्रिंकिंग, डिट्टो, डिट्टो सी, है ना, कि मैंने डिट्टो भाई सब छोड़ दिया। चलो इसका आंसर बताओ, स्टरडे आई वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, कल मैं अचानक से अपने एक दोस्त से मिला, कम का कौन सा फ्रेज याद आ रहा है। चलिए अचानक से क्या होना, मिलना, तो हम इधर जा रहे थे और वो इधर आ रहा था, यही हो गया क्या चीज, कम अक्रॉस। चलो ये तो मैं बार बार दिखाता ही रहूंगा, क्या और स्टूडेंट्स को आप लोग ज्वाइन करवा लो अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है ना, 600 रुपया कोई फी नहीं है स्टूडेंट, वो भी साल भर का, फिर इसमें ऑनलाइन सेट भी आपको फ्री होने वाला है, ऑफलाइन वगैरह जो करेंगे स्टूडेंट उनके लिए भी तो बोनस है। चलो अब देखो यहाँ से जो स्टेज नंबर आपका तीसरा था उसके टॉप स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, तो स्कोर आपका है जो रजनी और सन्नी दोनों का सेम है, फिर भी इनको फर्स्ट इनको सेकेंड दिया गया टाइम के हिसाब से, और टाइम भी अब दिखाता है कि आप कितना देर दिए हो टाइम। मीनू का 34 के साथ पोजिशन है, और अमन और निशा का 32 के साथ पोजीशन है, और दुर्गेश भैया का 28 नंबर के साथ भी पोजीशन है। चलो तो ये थे टॉप 5 स्टूडेंट जो आपके टेस्ट नंबर शायद 3 में थे। चलिए स्टूडेंट तो मेरा क्लास निकलने का टाइम हो रहा है, तो हम विदा लेते हैं आपसे और फिर मिलते हैं, कल तो शनिवार है ना, तो नहीं शनिवार को कोई क्लास नहीं, शनिवार को आपको रेस्ट करना है और पिछले सारे क्लासेस के अपडेट्स करने हैं, और जरूर डायरी ले लीजिए, और डायरी कहाँ से लेना है दिक्कत है, तो मैंने एड्रेस आपको बताया था ना कि आप बंद्रा सिनेमा। चलो अच्छा ऐसा करते हैं कि आपको ना, हाँ हम स्टेटस लगा देते हैं आज इसका डिटेल, ठीक है, कहाँ पे है वो, इसका एक कार्ड मेरे पास में, वो डिटेल लगा देते हैं। हाँ देखो निशा स्टेशन ये है क्या ना कि आप लोग ये देख रहे हो टेलीफोन एक्सचेंज, हाँ टेलीफोन एक्सचेंज, और उसके बाद बांद्रा सिनेमा की ओर जो सामने से चला जाता है रास्ता, उसी के बीच में है ना, उसी के बीच में है बस, नहीं होता बीच में एक तीन मोड़ मिलता है जो बांद्रा सिनेमा की ओर चला गया सामने, और एक धनेश्वर घाट की ओर चला जाता है, और उसके बाद वो पतला वाला गली के लिए भी रास्ता आने वाला होता है, तीन दोनों के बीच में है, टेलीफोन एक्सचेंज और बांद्रा सिनेमा के बीच में, ठीक है, धनेश्वर घाट जाने वाले रास्ते से थोड़ा सा आगे जाके, बिपिन जी हैं दुकान का, उत्तम बोल रहे हैं ड्रीम क्लास में मिल जाएगा, नहीं 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 अब यही दुकान से ही करिए, क्योंकि देखिए अब इस स्टेशनरी शॉप को मैंने थोड़ा सा करवाया है चेंज, इसीलिए कि भाई सारे नोट्स वगैरह मुझे मेरे यहाँ से ही मिले, और बच्चे यहाँ पर जाएँ तो कुछ नोटबुक वगैरह पेन पेंसिल वगैरह भी खरीदें, ताकि भैया जो दुकान रखे हुए हैं उनका भी कुछ भला हो, है ना, तो कृपया कर इनके यहाँ ही जाएँ तो अच्छा होगा, बाकी इनका कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल वगैरह हम कार्ड लगा देते हैं, डाल देते हैं टेलीग्राम वगैरह पर। चलिए तो ठीक है मुझे क्लास निकलना है, तो आज के लिए हम विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं अब सोमवार को सेशन में, जब तक आप लोग टेस्ट पेज जो क्रिएट करूंगा वो सब देते रहना, ठीक है, हाँ टेस्ट सबमिट, क्या बोल रहे हैं अभिषेक, नहीं समझ रहे हैं, चलिए।